नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जलाउना मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम पंचायत बसोली में शनिवार को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आगाज किया गया। इस मौके पर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रदेश भर के करीब 113 खिलाड़ियों को उम्दा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 5 जुलाई से चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हिमाचली टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम पंचायत बसोली में शनिवार को 3 दिवसीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आगाज किया गया। इस मौके पर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और उन्होंने आधिकारिक रूप से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से इस प्रतियोगिता में करीब 113 बक्सर दमखम दिखाने के लिए पहुंचे हैं। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी चेन्नई में 5 जुलाई से 11 जुलाई तक होने वाली राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिसमें ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियमों का निर्माण और खेल प्रतिभाओं को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज गांव बसोली में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है। अलग अलग गांवों के अंदर अलग अलग गेमें आगे बढ़ रही हैं। उसी कड़ी में प्रदेश स्तरीय एसोसिएशन ने जहां पर कार्यक्रम का जिम्मा दिया पंचायत को और पंचायत ने उसको ऑन किया। मैं पंचायत का धन्यवाद करता हूं और जहां आए हुए सभी खिलाड़ी साथी कोचेस उन सब का स्वागत करता हूं कि पूरे हिमाचल से जहां खिलाड़ी आए हैं। 2 दिन जो चैंपियनशिप चलेगी ऊना विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग स्कूलों में अलग अलग ग्राउंड हम लोग निर्माण कर रहे हैं, स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं, रिंग लगा रहे हैं, मैट्स दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में जहाँ भी आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं जहाँ बॉक्सिंग चैंपियनशिप कराने वाले सभी आयोजकों को प्रदेश स्तर के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जी आए हैं और जिला के अध्यक्ष भाई बलवंत सिंह जी हैं, इन सबको बधाई देता हूँ और पंचायत का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चैंपियनशिप को अपना जहाँ करवाने का जिम्मा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्या? प्रदेश सरकार अलग अलग स्थानों के ऊपर, जैसा मैंने बताया, हमारी विधानसभा में 4 बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, जलग्रां, बडाला, देहला और बसदेड़ा में लगभग 5 करोड़ रुपए के जो स्टेडियम है। और इसी तरह से अलग अलग स्कूलों के अंदर हमने कबड्डी, खो खो, बॉक्सिंग के हमने अलग अलग जगह रिंग भी दिए और मैट भी दिए। बॉक्सिंग का रिंग हिमाचल प्रदेश में पहला स्कूल है बसदेड़ा, जिसमें हमने 1 महीना पहले दिया। ऐसे ही कबड्डी के, खो खो के और रेसलिंग के मैट्स हम लोगों ने दिए हैं अलग अलग स्कूलों में, आप समय समय पर वहाँ आते रहे हैं। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो खिलाड़ी भी चलेंगे, तो खिलाड़ी भी आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने काफ़ी सहयोग किया है, केंद्र से भी सहयोग आ रहा है, तो सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।